हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो नेक्स्ट चैप्टर है बेलन और शंकु का, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने डाला, आप सभी ने फुल सपोर्ट किया है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर आज आपका है बेलन और शंकु, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं वादा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू से आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपका दिल जरूर जीतूंगा। तो आइए प्यारे साथियों, ज़्यादा ना देर करते हम लोग शुरुआत करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप सभी अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहला आपका टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु। सबसे पहले आपका टॉपिक है बेलन। तो बेलन होता क्या है, किसे हम लोग बेलन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बेलन क्या होता है, किसी आयत को उसकी एक भुजा के परितः घुमाने पर, कोई आपका आयत है उसकी एक भुजा के परितः घुमाने पर जो बना ठोस होता है उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे समझिए, अगर हम देसी जोहार समझाता हूं, ये आपको कागज दिख रहा है, ये कागज किस शेप का है, आपका आयताकार के शेप है। अब इसकी मैं मानता हूं ये जो साइड है इस भुजा को, ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए उसकी एक भुजा के परितः, मानते इस भुजा के परितः अगर हम घुमा रहे हैं, इसको यहीं पर रहने दे रहे हैं, अब इसके परितः ये पूरा क्या होगा, इसे गोल घूम जाएगा पूरा। जब गोल घूमेगा तो जानते हैं आपको किस प्रकार की आकृति बनेगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी, किस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यह जो आपकी आकृति दिख रही है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको आकृति दिख रही है, यह जो है आपका क्या होगा, लंबवृत्तीय बेलन होगा। क्या होगा, लंबवृत्तीय बेलन होगा। और दूसरा तरीका आपको ये बताएं हम अच्छे तरीके से बेलन क्या होता है, तो आप जानते होंगे, देखिए एकदम देसी जुगाड़ जानते हैं, ये देख रहे हैं ये क्या है आपका, एक वृत्त के आकार का दिख रहा है आपका, ये वृत्त के, भैया सर्कल ऐसा ही ना होता है, वृत्त के आकार का। अब ये जो आपकी चूड़ी दिख रही है, इस चूड़ी पे देखिए, मैं ऐसे चूड़ी अगर ऐसे रख दूं, ऐसे रखता जाऊं तो क्या ये आपका एक बेलन के आकार का बना, ऐसे ही तो बन रहा है, चूड़ी पे चूड़ी अगर हम रखेंगे तो क्या इस शेप में बन जाएगा क्या। तो जब ये शेप में बना तो ये जो है आपका वो क्या है, आपका बेलन है। पहला चीज कि जो होता है बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ होकर के कोई भी काम करता है वो खा जाता है गच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता क्यों है इसको मैं आपको समझाता हूं। अगर इस बेलन को आप देख रहे हैं तो इस बेलन में देखिए, ये जो है इसकी ये ऊंचाई है एच है, ये उसकी ऊंचाई आपका एच है, और यहां से यहां तक की आपकी ये होती है आपकी त्रिज्या। सपोज मानिएगा ये आपका वृत्त है, ये सर्कल है, समझ आ रहा है। तो ये वृत्त जो है, अगर इस वृत्त में देखा जाए तो आप वृत्त के बारे में जानते होंगे, मैं आपको अच्छी तरीके से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में कई जगह मैं आपको इस चीजों की चर्चा कर चुके हैं। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आर होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां से देखिए मैं निकाल लेता हूं, बेलन का आयतन बराबर, अगर हम बोले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुरुत्वे ऊंचाई। तो मेरे दोस्त, आधार किस, अगर इस बेलन में आप समझिएगा, ये आपका मान लीजिए बेलन है, बेलन के आकार का है, तो अगर इसका आधार देखा जाए तो ये किस क्षेत्र शेप में है आपका, ये देखिए वृत्त के आकार में है, वृत्त के शेप में है, ये आपको देख रहे होंगे एक वृत्त के शेप में है, इस टाइप में आपको दिख रहा है, किस टाइप में दिख रहा है, वृत्त के आकार, आधार का होता है। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आपका हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो देखा जाए सिर्फ टू डायमेंशन है, इसमें देखिए मोटाई नहीं है, इसमें मोटाई माने ना के बराबर है, तो टू डायमेंशन है तो उसमें क्षेत्रफल निकाला जाता है, वृत्त का क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर।
अब ऐसे चूड़ी पर चूड़ी, चूड़ी पर चूड़ी, चूड़ी पर चूड़ी अगर हम ऐसे रख दिए, एक एक चूड़ी ऐसे करके रख दिए, तो ये मोटा हो गया इस प्रकार से। अब ऐसे ही हम रखते गए, मान लेते हैं इतना मोटा हुआ, अब ऐसे ही हम रखते गए तो ये आपका इतना मोटा हो गया। तो इसमें इंक्लूड क्या हो गई आपकी, ये जो हो गई आपकी ऊंचाई हो गई, सिर्फ क्षेत्रफल में क्या आपका इंक्लूड हुआ, ऊंचाई हो गई। तो यही जो ऊंचाई आपकी जुड़ जाती है, यही हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम बोल सकते हैं कि बेलन के क्षेत्रफल में, आधार के क्षेत्रफल में हमने क्या सिर्फ दे दिया, एक ऊंचाई दे दिया, और यही जो ऊंचाई हो गई तो आयतन में बदल गई, क्योंकि इसमें तीन चीज मिल गया, आपका तीन विमाएं हो गई, ठीक है। तो यह हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, समझिएगा। अब अगर देखा जाए तो एक कागज समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। यह कागज है, अब इसके आधार का वक्र पृष्ठ कह रहा, वक्र मतलब बाहरी पृष्ठ कह रहा है। अगर एक कागज को मैं ऐसे अगर मोड़ दूं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मान लीजिए। अब ऐसे समझिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ये वृत्त देख रहे हैं, इस वृत्त देख रहे हैं, तो इसकी ये जो परिधि होती है ये क्या होती है, मैंने बताया था खुद से दोस्ती खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, यही होता है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, समझिएगा 2πr। अब इस चूड़ी पे चूड़ी, चूड़ी पे चूड़ी ऐसे हमने रख दिया, तो एक कुछ आपका ऊंचा मोटाई ले लिया, कुछ ऊंचाई ले लिया, तो इसमें क्या इंक्लूड आप हो गया, ऊंचाई हो गई ना, इसमें कुछ हाइट इंक्लूड हो गई ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr, और उसमें सिर्फ इंक्लूड क्या हो गया आपका एच हो गया, तो 2πr हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πr h हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 2πr h हो जाता है। तो समझ में आया कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr h होता है। तीसरा चीज आपका आ जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या आता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए बहुत अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। और कभी जिंदगी में अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो वादा करता हूं आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये जान लीजिए। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अब सपोज मानिएगा ये आपका बेलन है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ बदल रहा है वक्र पृष्ठ, ये बाहरी सिर्फ नहीं, ये भी और ये भी, तीनों। तो अगर ये पृष्ठ अगर देखा जाए, ये किस शेप का है, वृत्त के शेप का है, इस वृत्त के शेप का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला अगर पृष्ठ देखा जाए तो वृत्त के शेप का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिए, प्लस ये वाला शेप हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमने ये वाला भी तो उसी शेप का है, वृत्त के शेप का है, इसको भी हमने ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, प्लस अभी ये वाला जो आपका शेप था, ये वाला, ये वाला, तो इसमें 2πr, तो देखिए ये वाला जो किनारा है वो 2πr, तो ये है, इसमें सिर्फ इंक्लूड क्या है, 2πr में सिर्फ h है, तो यही 2πr h, तो 2πr h। अब इसको हम जोड़ें, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2πr² भाई 1a 1, 2πr² प्लस 2πr h। ये देखिए ये वाला आपका पृष्ठ 2πr h, और ये पाई आर स्क्वायर, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ये वाला आपका, ये वाला वक्र, ये वाला वक्र पृष्ठ वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2πr, पाई आर स्क्वायर और 2πr s। अब इन दोनों में अगर मैं देखिए कॉमन क्या है, 2 2, दोनों में कॉमन है, 2 2 क्या है आपका, दोनों में कॉमन है, तो आप 2 कॉमन है, पाई देखिए दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन है, आर देखिए दोनों में आर बस कॉमन है, तो 2πr अगर हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से देखिए ये दोनों, तो ये 2π तो कॉमन हो गया, तो ये तो बाहर हो गया, एक r इसमें से कॉमन हो गया, तो बचा क्या आपका r, और प्लस इसमें से देखिए 2πr इतना पूरा कॉमन हो गया, बचा इसमें क्या h बचा, तो वही होता है 2πr h + r, या r प्लस h भी हम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2πr, इसके बाद h को पहले लिख सकते हैं, तो h प्लस r। तो क्या आपको समझ में आया बेलन के बारे में, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बेलन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बेलन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बेलन पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले आप शंकु के भी बारे में जान लीजिए, क्योंकि शंकु और बेलन में कुछ खास वो नहीं है। अब देखिए शंकु क्या होता है, समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी भुजा के परितः घुमाया जाए, तो उसके द्वारा निर्मित ठोस लंबवृत्तीय शंकु कहा जाता है।
एक समकोण होता है। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि समकोण क्या होता है, ऐसे होता है और इस शेप में ऐसे होता है, यही होता है। अब इस समकोण त्रिभुज को, अब हमारे पास कागज नहीं है, नहीं तो इस साइड में हम अब काट लेते। अब उसको अगर मान लेते हैं ऐसे आपका था, तो उसको अगर हम ऐसे करके पूरा इसी के इसके ये वाला जो लंबवती बनाने वाली भुजा होती है ना, देखिए समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा थी, ये वाली जो समकोण बनाने वाली भुजा है ना, इसके अगर परिधि हम क्या करें घुमा दें या फिर इसके परिधि घुमाएं, अगर ऐसे करके पूरा अगर घुमा दें तो ये क्या होगा आपका, इस शेप में बनेगा क्या, ये आपका ढक लेगा। आप देखेंगे होली के समय जो टोपी ओपी लोग लगाते हैं, अब ऐसे है अगर आप इसको हम पूरा घुमा देंगे ये वाला, अब यही इस पे कांस्टेंट रख करके तो ऐसे पूरा घूम करके फिर एकदम गोल हो जाएगा, काट लेगा, तो ये किस शेप में बनेगा आपका, इस शेप में बनेगा क्या, तो यही जो होता है आपका शंकु होता है, यही क्या होता है आपका शंकु होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शंकु कहते हैं। अब शंकु का जो आयतन होता है एक बटा के तीन पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है एक बटा के तीन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, आपको मैं समझाता हूं। अगर मैं इसमें मैं ले लूं, ये आपकी आर ही त्रिज्या थी, अब मेरे दोस्त ये आपका पूरा बेलन था, ये बेलन था ना, अब इसमें से अगर मैं यहां से ऐसे कर लेता हूं, ठीक है समझिएगा बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ये आपका बेलन है, अब इसमें से मैं अगर ऐसे ही शंकु काट लूं, ऐसे मैं अगर काट लूं तो क्या ये वाला वाला यहां से अगर मैं काट लूं तो यहां से अगर आपको दिख रहा होगा ये आपका एक शंकु बन रहा है, एक शंकु ये बन रहा है, एक ये वाला पार्ट शंकु बन रहा है और ये एक ये वाला पार्ट बन रहा है, तो एक बेलन में कुल कितने शंकु बन रहे हैं, तीन शंकु बन रहे हैं। क्या क्या एक बेलन में, देखिए एक ये वाला शंकु हो गया, देखिए शंकु के ही आकार का तो बना, इसको अगर मैं ऐसे काट दूं तो यहां से ऐसे एक ये वाला शंकु हो गया, दूसरा एक शंकु ये बन रहा है, तीसरा एक शंकु ये बन रहा है, तो टोटल एक बेलन में कितने शंकु बनते हैं, तीन बनते हैं, तीन बनते हैं, तो एक जो शंकु है टोटल बेलन का कितना है, एक बटा के थर्ड पार्ट, एक बटा के थर्ड पार्ट, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब पाई आर स्क्वायर एच होता है और उसमें सिर्फ आपको क्या करना है भैया, पूरे बेलन का ये कितना है, एक बटा के तीन है, एक बटा के तीन है ना, तो जब एक बटा के तीन है तो एक बटा के तीन पाई आर स्क्वायर एच, अब ऐसे ही एक बटा के तीन पाई आर स्क्वायर एच, एक बटा के तीन, अब भैया इसका जो आयतन एक बटा के तीन पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसको हम जोड़ दें एक बटा के तीन पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसको जोड़ दें एक बटा के तीन पाई आर स्क्वायर एच, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आप हमें मिलेगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच ही मिलेगा ना, तो एक बेलन का, तो बेलन का क्या होता है एक बटा के तीन भाग क्या होता है आपका शंकु होता है। क्या जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया, अगर जहां से बैठे हैं वहीं से कहिए मेरे दोस्त आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका, ध्यान रखिएगा ये जो होती है आपकी हाइट होती है भैया, ये तो आपका हाइट ही है ना, यहां से अगर कर दे मैं यहां से भी अगर ऐसे खींच दूं तो ये तो आपका हाइट ही होगा, आपका हाइट ही ऊंचाई ही होगा, और ये जो होगा आपका त्रिज्या ही होगा, त्रिज्या ही होगा ना, ये जो होगा आपका हाइट होगा और ये जो होगा आपका त्रिज्या ही होगी, कि आपकी ये त्रिज्या होगी, जब ये त्रिज्या होगी तो ये जो आपका पूरा ये वाला हाइट ये जो होता है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में जब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये आपका होता है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब क्या है एच, तो एच का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, लेकिन यहां कर्ण स्क्वायर बराबर इतना होता है, के बराबर हम कर्ण में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, शंकु में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, और उसको के से नहीं, इसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं हम, किसे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, ये बात समझ में आई क्या, जब एल से दर्शाते हैं तो पूरी जो होती है आपका टू पाई आर होता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं समझने की कोशिश करिएगा, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है ये वाला आपका हुआ L और ये वाला जो आपका हुआ पाई आर हुआ, तो कुल मिला करके इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर, भैया पाई आर में सिर्फ हमारा क्या तिरछी ऊंचाई ऐड हो गई, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई आर L हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम देखिए इसका वक्र पृष्ठ बोल रहा है, तो वक्र पृष्ठ अगर हम इसका बोले ये वाला जो है तो इसमें आपका क्या है, देखिए आर जुड़ा है ना, ये वाला पाई, अब कुछ एंगल बन रहा है तो वाला, तो ये वाला जो वक्र पृष्ठ ये वाला आपका बनता है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये पाई आर एल होता है, ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त पाई आर एल होता है। लेकिन इसके संपूर्ण पृष्ठ अगर की बात हम करें, क्या करें संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो जो नीचे वाला जो आपका पृष्ठ है ना, ये वाला जो पृष्ठ है, कहने का मतलब अगर शंकु होगा तो नीचे वाला उसका ये जो पृष्ठ होगा ये वृत्त के आकार का होता है, ये वाला इस शेप में होता है, क्या होता है
इस शेप में होता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो आपका आकार है वो किस शेप का है, वृत्त के नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो ऐसे गोल गोल घूमेगा इस शेप में, मतलब ये वाला, ये जो राउंड ऐसे करेगा ना, ये वाला यहां तक जो है, ठीक है, तो ये वाला क्या है, इसमें पाई आर, भैया पाई आर और ये इसमें क्या है आपका इंक्लूड, एल ही तो इंक्लूड है ना, पाई आर और इसमें इंक्लूड क्या है आपका, एल ही ना इंक्लूड है। तो जब एल हम इंक्लूड कर लेंगे तो हो जाएगा देखिए पाई आर एल। अब इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, देखिए अगर पाई आर, देखिए पाई आर और पाई आर दोनों में है, अगर हम पाई आर अगर कॉमन ले लें आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर। तो शंकु का जो शंकु संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। तो क्या ये आपको बातें समझ में आई क्या, कि आज ये जो है आपको बातें समझ में आई, मेरे कहने का मतलब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा पाई आर एल कैसे होता है तो समझिएगा, ये आपका टोटल बेलन हुआ, ठीक है। अब अगर आप समझिएगा तो ये जो आपका पूरा अगर ऐसे बनाता है समझिएगा, तो टोटल क्या होता है, टू पाई आर होता है, टू पाई आर होता है और इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका एच, लेकिन इसमें आपका हाइट नहीं इंक्लूड है ना, ये देखिए इसमें इसकी हाइट नहीं इंक्लूड है ना, ये बस सिर्फ ये वाला गोला वाला भाग बोल रहा है यहां तक के, ये मतलब ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना इस वाले भाग का, ऐसे अब ये ऐसे ऐसे मोटा ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे 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 पतला हो जा रहा है ना, मेरे कहने का मतलब ये वृत्त जो है, ये वृत्त तो है ही, अब ये ऐसे करके छोटा छोटा पतला होते 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 ये इस शेप में हो जा रहा है ना, इस शेप में चला जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, तो वही शंकु के रूप में बन रहा है ना। तो ये पाई आर ये वाला और ये आपका एल, तो लेकिन इसका पूरा होता है टू पाई आर एच, तो ये वाला अगर हम काट दें इधर, ये वाला काट दिए इधर, वाला काट दिए, ठीक है, तो इतना ही भगवा बचा ना, तो इसलिए इसका ये वाला तिरछी ऊंचाई हम लोग ऐड कर देते हैं वक्रपीठ में, एल हो जाता है और ये पाई आर आपका इंक्लूड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। तो क्या आपको शंकु और बेलन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी पर आपका आधारित प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आइए हम लोग एक दो प्रश्नों को हल करते हैं। अब दोस्तों बेलन के ऊपर जो आपका आधारित जो क्वेश्चंस होता है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आपका एक बेलन है, देखिए मैं इसको हल करता हूं, बहुत ही आसान है आपका, देखिए मैं एक क्या करता हूं बेलन बना लेता हूं, ठीक है, ये आपका बेलन हो गया। अब कह रहा है कि उसका आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो मेरे भैया अगर ये आपका बेलन है, सपोज मानिए ये आपका बेलन है, तो इसका जो आधार है किस शेप में है, वृत्त के शेप में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, तो ये जो आधार का क्षेत्रफल है ना, तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना, देखिए कहने मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया, देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये बात समझ में आई आपको। और उसकी ऊंचाई, अभी जो बेलन है ना इसकी हाई जो ऊंचाई दिया है, इसको एच मान लेते हैं, एच बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये आपका आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो आधार जानते ही हैं वृत्त के आकार को, समझ में आया। तो आपसे पूछ रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करिए, तो मेरे भैया बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बताइए पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल बोले चाहे पाई आर स्क्वायर बोले, हम इसको अभी आपको प्रूफ करके बताए हैं कि बेलन आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, या तो ऐसे आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो क्या आप ऐसे आएगा तो आप गलत कर देंगे, क्या इसको आप नहीं लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया, देखिए 100 दिया है, 100 दिया है, इंटू एच, एच का मान कितना दिया 10 दिया है, बराबर कितना हो जाएगा 1000, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। यहां देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम सेंटीमीटर में गुणा करें कितना हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, तो या सेंटीमीटर का क्यूब बोल दें या फिर घन सेंटीमीटर बोल दें, घन सेंटीमीटर होंगे बोल दें, यही जो होगा आपका आंसर होगा। और बहुत ही अच्छा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या करा, देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के ड्रम का व्यास, अब देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, ये देखिए आपका ड्रम है, बेलन के आकार का ड्रम है, ड्रम जिसमें आप पानी वानी रखते होंगे, कुछ भी रखते होंगे आप समझिए, उसमें उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, ये आपका एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार के समझिए आपका ड्रम हो गया। अब ये कह रहा है इस ड्रम का ये जो व्यास है, ये जो कि यहां से यहां तक जो होता है ना आपका, वो व्यास होता है। वृत्त में जब आप ऐसे करे होंगे तो आप जानते हैं केंद्र से यहां तक ये जो भुजा जाती है आपकी व्यास होती है।
अब व्यास दिया है तो व्यास दिया 55 सेंटीमीटर, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दो गुना होता है, मतलब डी बराबर होता है 2R। ये चीजें मैं आपको अच्छी तरह से बता चुके होंगे। तो जब आपका व्यास दिया है यहां पर समझिएगा, अब यहां पर आपका हल हम करते हैं, व्यास व्यास बराबर कितना दिया, देखिए 55 सेंटीमीटर दिया है तो क्या हम त्रिज्या अगर करें तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा के दो, व्यास बटा के दो होता है तो यहां 55 बटा के दो कर देंगे क्या इतना सेंटीमीटर। ये बातें समझ में आई आपको, बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब कह रहा है तथा लंबाई, लंबाई का मतलब क्या है, इसकी कौन सी लंबाई हम लेंगे भैया, ये लंबाई जानते हैं इसकी, जो इसकी लंबाई बोल रहा है ठीक है। ये आपका अगर हम बोले सपोज मानिएगा ये आपका कागज है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी आपकी लंबाई है, और अगर हम इसको ऐसे अगर करके इसे मोड़ दे, मोड़ दिए कागज की, ये आपकी लंबाई है, अगर ऐसे करके मोड़ दिए तो बेलन के आकार का बनेगा कि नहीं। अब जो लंबाई थी किस में बदल गई, ऊंचाई में बदल गई, तो वही बात यहां पर बोल रहा है। तो लंबाई ये मतलब इसकी ऊंचाई, h बराबर कितना दिया, यही वाला आपका कितना है आपका 120 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, तो कितने लीटर पानी हम पूछ रहे हैं इसके, इस ड्रम में हम कितना, अगर मान लेते हैं ये ड्रम ही है, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और व्यास 55 सेंटीमीटर है, इसमें कितना लीटर पानी आएगा, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, इसमें आयतन ही ना पूछ रहा है इसका, इसका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है ना। तो हम सबसे पहले आयतन निकालेंगे, तो क्या होता है आपका, देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच, जानते हैं पाई का मान 22 बटा के साथ भी होता है, क्या होता है 22 बटा के साथ, तो 22 बटा के साथ हम रख लेंगे, 22 के साथ इंटू आर, आर अभी हमने निकाला 55 बटा के दो इंटू 55 बटा के दो इंटू एच, एच कितना दिया देखिए 120 दिया है, कितना दिया आपका 120 दिया है, जब 120 दिया है तो आपका कुछ कटेगा, देखिए दो दूना चार, चार तीन बार आपका 30 हुआ। अब इसको अगर आप गुणा करेंगे देखिए तो आपका हो जाएगा देखिए 7, अब आप इसका गुणा कर लीजिए तो देखिए 22 बटा के 7 गुणते 55 का 55 में गुणा करिए इंटू 30, तो आपका कितना आएगा, तो 55 30 और 22 का गुणा करने पर आपका आएगा देखिए 1996 500, कितना आएगा 1996 500 बटा के 7। तो जब आप 7 का भाग देंगे, ध्यान रखिएगा जब आप 7 का भाग देंगे तो आपका आएगा देखिए 28 52 214 दशमलव समथिंग करके आएगा, उतना क्या होगा आपका देखिए घन सेंटीमीटर होगा, उतना क्या आएगा देखिए आयतन जो होता है हमेशा घन सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है तो ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, यह पूछ रहा है कि ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, तो इस सेंटीमीटर को हमें क्या करना है आपको लीटर में बदलना है। तो देखिए इसी प्रकार का जो आपका क्वेश्चन आता है देखिए, तो हम जानते हैं, यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर, क्या 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है 1 लीटर, कहने का मतलब 1000 घन सेंटीमीटर में आपका 1 लीटर होता है, तो 1 घन सेंटीमीटर में आपका कितना लीटर हो जाएगा, आपका 1 बटा के 1000 हो जाएगा, क्या 1 बटा के 1000 लीटर हो जाएगा। जब 1 घन सेंटीमीटर में 1 बटा के 1000 लीटर होगा तो आपका 28 52 214 घन सेंटीमीटर में आपका कितना होगा मेरे दोस्त, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 28 52 214 बटा के, उसका एक में गुणा हो जाएगा इतना बटा के आपका कितना हो जाएगा आपका 1000। जब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो देखिए 3 अंक दशमलव यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब आपका आ जाएगा 2852.214। इतना जो आपका लीटर होगा, इतना लीटर जो होगा इस ड्रम में आपका पानी आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो चीजें मैंने आपको बताई बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप लोगों को समझाने का जो मेरा प्रयास था वो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, और यदि मेहनत मेरी आपको पसंद आई तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इससे ही रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के लिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।